राजीव साहब, आपके पास जो बिड डॉक्यूमेंट था, आपने कहा वो $50 मिलियन का था, और जो टर्किश कंपनी जिसकी बिड मंजूर हुई, उन्होंने कितनी बिड लगाई इसमें? Just to correct you, bid bond, it as part of the process, you had to put in a bid security, which was of $50 million. Okay. Okay. So that comes out to be PKR 1.5 billion. जी, so वो हमारे पास issued था from the bank. So we were very much interested in the project. It's not like we were not engaged or interested. हमारे दो airport पे visits भी हुए थे इस्लामाबाद international पे. We had a technical due diligence teams ने सारी inspection की थी of the electrical, mechanical domains, units, and just on the date of the bidding where you say कि योर बिड के नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट इज रॉन्ग ऑन ऑल लेवल्स. आपकी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन पीपीपी प्रोजेक्ट्स, गेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बट एट द सेम टाइम इफ यू नॉट लेटिंग बिडर्स कम इन एंड सबमिट देयर बिड्स, दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान. एंड कंसिडरिंग देयर सो मेनी प्रोजेक्ट्स टू फॉलो, आई डोंट थिंक एंड आई डोंट बिलीव कि इसके बाद इतना कॉन्फिडेंस रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स में पाकिस्तान में आने के लिए. सो आई फील लाइक द प्रोसेस शुड हैव बीन बेटर. बट इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, वी हैव लॉज्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट टू द डीजी, डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज, एंड वी विल आल्सो टेक दिस टू कोर्ट टू हैव अ फ्री एंड फेयर जस्ट बिडिंग प्रोसेस. एक बिडर के साथ तो आपको पता है बिड प्रोसेस होता ही नहीं, क्योंकि एक बिड होती है तो उसी को अवार्ड हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं होता. सो मे बी दिस वॉज डन टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन एंड मे बी इंगेज कि किसको जिताया जाए. मे बी देवर ऑल्टीरियन दानिश साहब, क्योंकि आपका कंसोर्शियम सेकंड बिडर के तौर पे या कॉम्पिटेटिव बिडर के तौर पे वहाँ मौजूद था, तो आप लोग जब वहाँ नहीं पहुँचे बिफोर टाइम भी या ऑन टाइम भी, तो कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों से हुई, कोई कांटेक्ट किया गया कि जी हम ये टर्किश कंपनी की मंजूरी दे रहे हैं, टाइम जा रहा है, आप लोग जल्दी से आएँ और अपनी बिड को सबमिट करें? जी जी सर, कोऑर्डिनेशन उनकी तरफ से तो नहीं हुई थी, बट वी वर देयर ऑन टाइम, वी वर देयर एट the time of bid submission, but our documents were not accepted. So जैसे कि आप जानते हैं, ये bid एक बहुत बड़ा document था, 2000 pages का, इसके साथ इसकी चार कॉपियाँ थी. So एक काफ़ी ही huge package था जो हमने अंदर पहुँचाना था into the premises. So the airport authority needs to be inclusive of the fact that if a car is being let in फॉर बिड सबमिशन, उसको वहाँ पे हमें बिठा दिया गया, हमें कहा कि आप काइंडली बैठें कमेटी रूम में. वहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आया. मैंने कहा कि मैनेजमेंट से हमें मिलाने दें, हमें किसी डीजी साहब से बात करने दें, डिप्टी डीजी साहब से बात करने दें, बट दे वर अपेरेंटली वेरी बिजी टू मीट अस. सो सर, हम फिर उसके बाद वहाँ पे 8:30 बजे के बाद हम लोग वहाँ से ऑफिस से निकल आए, एंड देन वी केम बैक. Now we will inshallah proceed legal action to have a fair and just bidding process. और दानिश साहब, ये पाकिस्तान में bidding का process normally, क्योंकि जी it won't be beneficial for us, it will be beneficial for Pakistan and beneficial for all the future projects and all the future investment that's coming into Pakistan, which Pakistan really needs. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जंजुआ साहब. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए.